So, hey, what's up, guys? कैसे आप सब? मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू ब्लॉग। So, guys, ये देखो भाई मैं कहाँ पे आ गया। So, guys, रिया तो मेरे को लिया ही घुमाने और भाई फिलहाल मैं हूँ मणिकरण में जो कि कसोल के पास है। रिया कसोल में है और guys, जहाँ पे मैं हूँ ना यहाँ पे guys, पहाड़ों में से ना नेचुरली गर्म पानी निकलता है। तो भाई हम रात भर चल के यहाँ पे आए हैं और सभी थक चुके हैं। मैंने और चीनू ने तो नींद पूरी कर ली है। बाकी गाइस भाई दोनों थके हुए हैं, दोनों रात को नहीं सोए। और ये देखो भाई चीनू ने तो नींद भी पूरी कर ली और फिर भी सो रहा है। ओए खड़ा हो चीनू, नींद पूरी कर तो ली यार तूने, सुन नहीं रहा? तो गाड़ी चला गया है शिट्टू और चीजें ना भाई, दोनों गाड़ी के आगे बैठे थे, देख रहे थे कि भाई सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो रात भर दोनों जगे हुए थे तो दोनों सो रहे हैं और ये चीनू ना भाई आराम से फैल के सो रहा था, फिर भी आजा सुनने। सो गाइस ये दोनों भाई तो उठ गए। खड़ा हो जा अब, बहुत देर होली, खड़ा हो जा बहुत देर होगी, परेशान करो इसको। ओ भाई रात भर सोया नहीं तू? अरे रात तो सोता है, आगे बैठ के गाड़ी चलाता ना, जब पता चलता जब दिखते ना पहाड़ गोल 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 गोल। मेरी गोदी में सर रख के पीछे आराम से सो रहा था, पूरा लेट के कराटे भी ले रहा था। मैं सोया था तभी तो उठ गया। अब तू ना खड़ा हो जा, ज्यादा सोते डू राम मत बन। खड़ा हो नौटंकी, सुलोना वायरस भी आ गया क्या? कहाँ जा रहा है अब क्या बाहर सोएगा? ओ व्यू देख रहा है बाहर का। सो गाइस यहाँ के ना भाई एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, रूम से बाहर अब तो मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। हाँ पानी की लहरें देख ली मैंने, सुबह का उठा हुआ हूँ मैं। तो गाइस फिलहाल मैं नहाने जा रहा हूँ। तो गाइस मैं और शिट्टू तो नहा लिए हैं, अभी हम जा रहे हैं रिया के पास। देख कितना मस्त व्यू है ना। रिया का कैंप कौन सा है? सामने वाला, पहले वाला, आगे रिया? रिवर साइड जा रहे हैं। रिवर साइड जा रहे हो, चलना है चीनू? सो गाइस फिलहाल ना भाई रिया रिवर साइड लेके जा रही है। क्या वो देखो गाइस सब वेट कर रहे हैं रिया का, निकल पड़े। गाइस देखो भाई कहाँ से जाने लग रहे हैं, बिल्कुल जंगल का रास्ता है, एकदम प्यारा रास्ता। सो गाइस फाइनली रिवर आ गई है। गाइस देखो भाई कितना मस्त व्यू है। सो गाइस फिलहाल ना भाई बारिश आ गई है, जल्दी से ना कवर लेते हैं थोड़ा सा। और गाइस रिया वगैरह सारे फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं, जहाँ पे भी जाते हैं ना एंजॉय नहीं करते, फोटो खिंचवाते हैं पहले। जितना मजा रियलिटी में आता भी नहीं है ना, इतना मजा फोटो डाल के दिखा देते हैं भाई, इतना मजा आया। कहाँ चढ़ गया बस? बच गया, नहीं गिरा इस बार। सो गाइस फिलहाल 3:45 हो गए हैं और भाई सुबह से हमने खाना नहीं खाया तो अभी जा रहे हैं खाना खाने। सो गाइस ये देखो भाई क्या मस्ती करने लग रहे हैं। भाई तो गाइस अभी खाने की मार्केट में आ गया है। नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया बढ़िया। बीच वाले आप? हां सेंटे वाला है, मतलब पार्टी चलेगी रात को। वो सामने देख बर्फ, वो पूरी सारी जगह है ना, आपसे मिलके अच्छा लगा। चीनू बाय। सो गाइस अभी 5:30 बज रहे हैं और भाई हम ना भाई पूरा कसोल घूम चुके हैं, मैं पैदल पैदल। नजारों में तो भाई कोई कमी नहीं है, ऐसा मन करता बैठे रहो, मतलब मेरे को टाइम ही नहीं पता चला कि भाई 5:30 कब बज गए। एक चीज थोड़ी अजीब लगी मेरे को, मतलब हम खाना वाना खाने जा रहे हैं ना, मोमोज वगैरह कुछ भी खाने जा रहे हैं, हर जगह ना लोग स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे धुआं धुआं हो रखा है, कुछ खा नहीं पा रहे, मतलब एक रेस्टोरेंट में बैठ रहे हैं फिर वहाँ से उठ के जा रहे हैं। ऐसे हमने कई रेस्टोरेंट चेंज कर दिए, अभी फाइनली जाके एक रेस्टोरेंट ऐसा मिला है जो बिल्कुल ठीक है, तो उसको भी ऑर्डर दे के आए हैं। तो फिलहाल गाइस हम ना नेचर पार्क में आए हैं। कहाँ चढ़ गया चीनू, गिर जाएगा? तो गाइस ये देखो भाई कहाँ पे चढ़ गया। ओ भाई घूम गया, ओ घूम गया। तूने बर्फ देखी? देखो सामने बर्फ दिख रही है। ओ भाई तूने ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया और किसी ने भी नहीं दिया हुआ तुम्हारी टीम में से। तो भाई सुनना भाई बर्फ वाली जगह पे जाएंगे। सो गाइस फिलहाल हम खा रहे हैं खाना, हम खा रहे भाई ग्रेवी चाप और रोटी। सो गाइस खाना तो हमने खा लिया है। ओ भाई सुनो कौन सा कुत्ता है भाई, ये मुंह क्यों छुपा रहा है भाई? शर्मा गई, ये हस्की है, कितने साल का है? साल का नहीं, महीनों का है। महीनों का है? 6 महीने का है। इसमें क्या चीज है, इसका खाना है? ओ भाई तो गाइस इसकी आंखें देखो भाई कितनी प्यारी है। ओ भाई आजा आजा आजा। सो गाइस ये देखो भाई कितना प्यारा है, इधर तो आजा। भुड़का भर रहे तो यार, तूने बताया नहीं भुड़का भी भरता है, पागल हो जाता है। एक और कुत्ता दिखा रहा है भाई, पार तो नहीं लगा, ये क्या नाम है इसका? ब्रूनो। हाँ भाई ब्रूनो सूंघ रहा है तेरे को। चीनू को सूंघ रहा है यार, इतना प्यारा रोटविलर है। अच्छा फीमेल है। सो गाइस कसोल में तो ऐसे ही घूम रहे हैं और ये भाई मिला है हमें, इसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये कभी मोमोज खिला रहा है हमें, कभी कभी कहीं घुमा रहा है, कभी अपने डॉग्स दिखा रहा है। सो गाइस भाई का ना ये जर्मन शेफर्ड भी है और भाई देखो बहुत ज्यादा बड़ा है, लॉन्ग कोट है ये, बेइज्जती इसी की बात नहीं मान रहा। ओ भाई चीनू ये कैसे सो रहा है? तो शर्म कर ले, बाहर आया हुआ है भाई, कपड़ों में सो जाता। चल सो जा नहीं खाएगा? खाएगा, पास्ता गिनूंगा, अगर हाँ नहीं बोली तो नहीं है तेरी, ठीक है? 1, 2, 3, 4 गाइस ये देखो भाई ऐसा तो पूरी सोने की एक्टिंग करता है और मैगी के नाम पे उठ गया। सो गाइस फिलहाल तो हम आ गए रूम में और गाइस अभी खा रहे हैं खाना, सुबह उठ के जाएंगे गर्म पानी की नदी में, बाद सीधा मनाली के लिए निकल जाएंगे। सो गाइस अभी सुबह के 10 बज गए और गाइस हम सब उठ चुके हैं और नहा भी लिया है आज। गाइस ये जल्दी उठ गया यार। ओ भाई कितना बस लग रहा है ना पहाड़ों के बीच में और यहाँ पे साइड से नदी भी बह रही है, मस्त व्यू है। सो गाइस फाइनली ना हमें गर्म पानी देखने को मिल गया, इतना ज्यादा गर्म पानी उबलता हुआ भाई।
क्या हुआ? बहुत गर्म है भाई। हम तो सोच के आए थे कि भाई इसमें तो डूब के नहाएंगे। आलू उबल रहे हैं भाई। ये देखो भाई आलू उबलने के लिए डाल रखे, मतलब यहाँ का भंडारा ना इसी पानी से बनता है। भाई ये देखो भाई भाप कैसे निकल रही है। जमीन भी बहुत गर्म है यहाँ से। ये देखो भाई सबना यहाँ पे अपने चने वाले गर्म करके लेके जा रहे हैं। गाइस ये जो रास्ता है वो ज्यादा गर्म है, इसमें कोई पैर भी नहीं रख सकता। क्या वो पैर चल गए? तो गाइस ये देखो भाई ये क्या चीज है, यहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता। देखो इतनी भाप निकल रही है, वो रास्ता ही बंद कर रखा है। So guys, हम फाइनली मणिकरण से निकल लिए हैं। अभी जा रहे हैं सीधा मनाली। मजा आया क्या? क्या अच्छा लगा यहाँ का बता? मतलब पानी गर्म था। अरे तू किसे खा रहा है भाई इसको? पानी तो था यार। अबे यार नहीं ऐसे अपने मन से बोलना है, ठीक है गाइस? मेरे को ना भाई यूनिक चीज आगे पानी लगा, मतलब पानी बहुत ज्यादा गर्म था। झील भी अच्छी लगी मुझे वाली। और गाइस रात को ना भाई हमें एक भाई मिला था जिसने हमें कसोल घुमाया। तो गाइस ये देखो भाई कितना मस्त व्यू है, सामने ना बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, मस्त लग रहे हैं ना। और भाई कैसे हो? So guys, finally, मनाली तो पहुंच चुके हैं। और guys, रिया की बस ना हमसे काफी ज्यादा पीछे है, उनका पूरा ग्रुप हमसे काफी ज्यादा पीछे है। दो तीन घंटे और लगेंगे उनको आने में, हम ना पहले ही आ गए उनका बिना वेट करे, कि हर चीज में लेट चल रहे थे वो। तो हम फाइनली मनाली आ गए। और guys, हमने ये होटल लिया है। और guys, ये देखो भाई सामने ना पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ के। गाइस मैंने भाई शू क्लीनर लेके आया था, ना मस्त साफ हो जाते जूते, पूरे जूते नए हो जाएंगे। बस भैया और कितना लगाओगे? So guys, finally, बाइक रेंट कर ली है, ये वाली बाइक करी है हमने। चिरू देख बाइक लेके आए, मस्त बाइक है ना, स्टंट मार। जलने की स्मेल आ रही है, तोड़ मत दियो बाइक को, अब रहने दे भाई, खड़ी कर दे। तो गाइस फिलहाल हम मॉल रोड पे आ गए हैं और अभी सब ऐसे ही घूमने लग रहे हैं, मोमोस खाते हैं। चल तो गाइस मनाली के मोमोस ट्राई करके देख रहे हैं, मस्त है ना, मजा आ गया भाई। गाइस मैंने ना मतलब कसोल में भी खाए थे, अच्छे नहीं लगे थे मेरे को, यहाँ के भाई बेस्ट लग रहे हैं। ओए चार्ली चैपलिन, हेलो भैया। ओ भाई भालू फ्री हग दे रहा है ये। ओ भाई, अरे यार भाई तेरे को कहाँ पे उठा के ले गए ये। So guys, मनाली तो घूम लिया है। Guys, अभी जा रहे हैं सीधा होटल में। तो guys, ये देखो हमारी गैंग वाले भाई हमसे मिलने हैं। So guys, ये देखो भाई याक। ओ भाई कितने बड़े बड़े याक। भाई आपके हैं? कितने बड़े बड़े बाल हैं इनके। So guys, हम ना भाई होटल में जा ही नहीं रहे हैं, ओल्ड मनाली में घूमने लग रहे हैं मैं और चीनू। So guys, फिलहाल 10:30 बज रहे हैं और guys, रात को भाई चल चल के थक गए थे और जैसे ही होटल में आए ना भाई वैसे पता चला कि भाई होटल की लाइट ही नहीं है, पूरी रात होटल की लाइट गई हुई थी। तो guys, एडिटिंग में अब जाके कर रहा हूँ सुबह। चिनू आ गया, उठ भी गया तू, अपने आप उठ गया। अच्छा गाइस ये देखो भाई, रहने रहने मारते नहीं है। So guys, ये देखो भाई शिटू ने ना चीनू पागल बना दिया कि मैं रोहतांग चला गया बर्फ में रिया के साथ, तो ये डरता भागा भागा आया। तो guys, ये होटल लेने का मेन रीजन ये है, यहाँ पे ना भाई स्ट्रॉन्ग वाईफाई है, क्योंकि guys, पिछली वीडियो ना सिर्फ वाईफाई की वजह से लेट हो गई थी। मतलब guys, वीडियो ना 1 बजे आती है, पिछली वीडियो तुम्हें पता है 2 बजे आई थी, वो होटल के वाईफाई का रीजन था, मतलब बिल्कुल भी स्पीड नहीं आ रही थी। तो guys, हम ना भाई गाड़ी में लैपटॉप लेकर ना कहीं कहीं घूम रहे थे, फोन के नेटवर्क पकड़वाने की कोशिश कर रहे थे और फिर फाइनली जाके नेटवर्क आ गए थे। guys, इस बार ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ की वाईफाई की स्पीड 300 Mbps है जो कि बहुत है। और guys, आज मेरा बर्फ में जाने का बहुत ज्यादा मन है। guys, ये देखो भाई सामने वाले पहाड़ पे भी बर्फ है और उस साइड भी बर्फ है। और guys, ये देखो भाई हमारे होटल वाले भाई आ गए हैं। भाई यार एक चीज बताओ यार, बर्फ कब मिलेगी हमें? 12 लाख बता भाई, चलेगा भाई? ऑलवेज रेडी, अभी चलोगे भाई? नहीं भाई, फिर कभी। तो guys, फिलहाल मैं जा रहा हूँ दाने और वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच guys ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।